हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, सारी प्लानिंग प्लोटिंग आप आराम से कर रहे होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन के इस साइकिल में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच विचार में भी लगे होंगे कि कब तक आपको आपका सिलेबस फिनिश कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो, आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जो एकदम ड्रॉपर लोग हैं, जिनका मार्च में रिजल्ट आया और प्रिपरेशन में वो लग गए कि अगले साल फोड़ेंगे भाई। जिनका भी बदकिस्मती से ना हुआ हो या किसी भी कारणवश ना हुआ हो, उन्होंने मार्च में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जो मार्च में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है, देखो आइडियल समय है 6 मंथ में आपका एक बार का सिलेबस कंप्लीट होना हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग बेसिक सब्जेक्ट्स एंड कोर सब्जेक्ट्स। मार्च, अप्रैल और मई के आधार पर आप समझ लीजिए, जिन्होंने मई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी उनको अक्टूबर तक का समय लगेगा, जिन्होंने मार्च में स्टार्ट करी उनको हम समझ लेते हैं कि पूरा अगस्त तक का, पूरा अगस्त तक का लगेगा, पूरा अगस्त तक का टाइम लगेगा, यानी कि 1 सितंबर से वो फ्री हैं, और जिन्होंने अप्रैल में करी वो अक्टूबर से फ्री हैं, और जिन्होंने मई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी वो नवंबर से फ्री है। फ्री होने का मतलब ये कि अब आपका असली समय चालू होता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज का समय होता है ये, रिवीजन का समय होता है ये, अपनी मिस्टेक्स पे काम करने का समय होता है ये। तो अभी की जो प्लानिंग है, अभी हम अगस्त में एंटर करने वाले हैं, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, ये 3 महीने मैं मान के चलता हूँ, यदि जिन्होंने अपनी मई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, इन 3 महीनों में अभी भी जो बचा हुआ है ना वो फिनिश करना है। कुछ लोगों को 2 महीने बचे, कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों के 3। टारगेट यही बना के चलना कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में मैं बचे हुए सारे सब्जेक्ट फिनिश कर लूंगा। उसके बाद क्या करना है? मान लेते हैं कि आप 1 अक्टूबर से फ्री हो गए, 1 अक्टूबर से हमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज की तरफ आगे बढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, PYQ की जर्नी को चलाते रहना है। PYQ बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं आपकी गेट प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि एक बार PYQ कर लिया तो काम खत्म, नहीं, काम खत्म नहीं। PYQ तो ऐसी चीज है जिन्हें बार बार करते रहना है। PYQ की प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद टेस्ट की प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, कब? जब हम कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी अभी हम फ्री नहीं है, अभी आपको सारी प्लानिंग करनी है कि इस बचे हुए समय में आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट कैसे क्लिक करें। तभी आप खुद को जांच पाएंगे कि आपकी स्पीड ज्यादा है, कम है, कैसी है। प्लानिंग प्लॉटिंग जो एक टॉपर बच्चा है ना वो कर रहा होगा, आपको भी करना है, उसमें आलस नहीं, किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि हो जाएगा, ना ना ना, एक बार चेक करने का है कि क्या चल रहा है जीवन में, सही से चीजें कर पा रहे हो, नहीं, टारगेट अचीव हो पा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट आपने 31 अक्टूबर का रखा और आप 30 नवंबर तक चले जाएं। 1 महीने का डिले नहीं होना चाहिए भैया प्लानिंग प्लॉटिंग में, प्लस माइनस 10 दिन, यार 10 दिन और ऊपर ले लो, 15 दिन ले लो, लेकिन 1 महीना मत लो भाई, क्योंकि दिसंबर से हमें फुल टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाना है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी तो देना है ना। उसका आइडियल समय हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको 15 दिसंबर से एकदम फुल फ्लेजेडली एंटर कर जाना है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है ना उसी के हिसाब से तो गेट एग्जाम देना है। एक बात ध्यान रखो, अभी इस समय पे सच में आपको प्लानिंग करनी है रिमेनिंग सब्जेक्ट जो बचे हैं उनकी। अभी टेंशन नहीं लो कि टेस्ट सीरीज देंगे, क्या देंगे, कैसे देंगे, वो उस टाइम पे करेंगे जब हम उस टाइम पे एंटर कर जाएंगे कि हमारे सारे सब्जेक्ट फिनिश हो गए, बराबर। अभी वो टेंशन नहीं लेना। कुछ जी सेंटेक के चैट पे ये भी आ जाते हैं कि भैया सर टेस्ट सीरीज कब से दे, भाई रुक जा जरा, एक बार फिनिश कर ले, टेस्ट सीरीज कहीं नहीं भगे जा रही है। देखो होगा क्या, सब्जेक्ट फिनिश कर लोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अद्भुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो कहते ना बारूद के ढेर पे बैठे हो, ऐसे तुम कॉन्फिडेंस के ढेर पे बैठे रहोगे। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन नहीं भी बनेगा ना वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि आप एक बार का अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, फिर आपकी लड़ाई तो वही है कि क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बन रहे, कहाँ कॉन्सेप्ट लेग हो रहा है, रिवीजन, सारी चीजों से हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। तो अभी इन बातों को ध्यान में रखिएगा, मिलेंगे हम, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, इन सारी चीजों पर भी चर्चा करेंगे। अच्छे से स्टडी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।